ओहो क्या बात है। क्या हो गया भाई? देखो ये लाइन मार रही है यार भाई। लाइन मार रही है बहुत। कब मार रही है? कैसे मार रही है? कपड़े देखो, कपड़े देखो, क्या क्या मस्त लग रही है। अरे भाई क्या माल लग रही है भाई आज तो ना, मतलब दिल खुश हो गया। क्या बात? उसकी चाल देख और उसकी ढाल देख, तुझे नहीं लग रहा कि वो मुझे लाइन मार रही है? बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा थोड़ी होता है यार, कोई भी लड़की चल सकती है, कैसे भी उसकी मर्जी है। मुझे तो बड़ी पसंद आ रही है वो। हाँ, लाइन मार रही है यार, ऐसी बात नहीं है। हेलो मैडम, बम लग रहा। क्या बम लग रही है यार? क्या मतलब, क्या मतलब बम लग रही है यार? क्या माल लग रही है? एक तो चीज है क्या बोलने की, लड़की है वो तो। ओह माय गॉड। हेलो मैडम, अगर कमेंट ना करे ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई क्या हो गया, तेरे भाई पे लाइन मार रही है वो? तो उसने बोला क्या? चलो एक काम करते हैं, ना ना प्लीज, ना ना गलत बात है, ना बिल्कुल ना। लोग भाई मैं अभी तेरे को सबूत देता हूँ कि अगर तेरे दिमाग का ना अगर चलानी पड़ेगी इस चीज़ में ना। अरे कोई बात कोई, अरे चल चल तेरे को पूछ देते हैं भाई, कहाँ ले रहा है दिखते ना। अरे मैडम सुनिए जरा, ये आप अभी गए ना यहाँ से, तो बात कर रहे थे बाहर जाते, भाई बोल रहा था कि आप इनको लाइन दे रहे हैं। ये पड़ता कि जो ये कह रहा है फर्क नहीं पड़ रहा कि तू क्या सोच रहा है, तो तू उसके चार हाल को देख क्यों अपनी सोच बना रहा है। कल के दिन तेरी बहन खुद जा सकती है कहीं, जब दूसरे लड़के उसकी लाइन मारेंगे तो तू क्या करेगा? तू तो मार डालेगा सबको। इनकी सोच ऐसी है, वैसे देख भाई कुछ सीख, दिमाग खोल अपना, समझा? इस तरह इसने तुम्हारी बेइज्जती करी है, बहुत बेइज्जती करी, तो तुम भी करो ना इसकी बेइज्जती, हिसाब बराबर करके जाओ। उसके पास ही टाइम नहीं है, तेरी फालतू बातों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, अच्छा बन के दिखा भाई सबको। आज इस लड़के ने लड़की की चाल ढाल को देख के इतना कुछ बोल दिया, ये दिखलाता है इस लड़के के संस्कारों को। दोस्तों जब हमारे घरों में लड़कियां पैदा होती हैं तो हम उन्हें बचपन से ही संस्कारी बनाने की दौड़ में दौड़ने लगते हैं, संस्कारी बनाने की कोशिश में जुट जाते हैं। एक प्रश्न उठता है बार बार जहन में, क्या संस्कार केवल लड़कियों के लिए हैं? दोस्तों क्या संस्कार केवल लड़कियों के लिए ही हैं? इसका उत्तर एक और एक है, संस्कार जितने लड़कियों को देने चाहिए उतने ही संस्कार लड़कों को भी देने चाहिए। तो दोस्तों लड़का पैदा होने पे उसे भी ऐसे ही संस्कार दें कि वो कभी लड़कियों को ना छेड़े, हमेशा लड़कियों को इज्जत दे। लड़कों में ये संस्कार डालना माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो हमेशा लड़के को ये संस्कार दें कि वो लड़कियों की इज्जत करे। अगर हर माँ बाप लड़कों में ये संस्कार डाल दें तो हमारे देश में कभी किसी लड़की का रेप नहीं होगा। तो दोस्तों आज आपने एक सच्ची घटना देखी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद। जय